अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की वीडियो में हम जिस डिवाइस का रिव्यू करने वाले हैं वो है एल जी का V50। तो यार 2019 में आने वाली ये डिवाइस है। अब तक इसकी जो प्राइस चल रही है वो 38-40 या मैक्सिमम अभी 45 के तक गई है। तो यार इसकी स्पेक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये 4000 mAh बैटरी के साथ आती है, स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर है इसके अंदर। तो बेसिकली आज जो हम इसके अंदर टेस्ट करेंगे वो इसका कैमरा टेस्ट करेंगे। कैमरे की अगर बात करूँ तो इसके अंदर एक टेलीफोटो लेंस, एक अल्ट्रा वाइड लेंस और एक सिंपल माइक्रो लेंस आ जाता है। तो यार कैमरा इसके मैं अगर आपको बाकी सैम्पल्स वगैरह आपको दिखा सकता हूँ, ये इसका कैमरा लेआउट है। इसके अंदर आपको कैमरा एंगल्स डिफरेंट पॉइंट पे आपको सेट करने पड़ेंगे, मतलब अल्ट्रा वाइड के लिए अलग क्लिक, वाइड के लिए अलग क्लिक और टेलीफोटो के लिए अलग। ये अब मैं 2x, 1x और अल्ट्रा वाइड पे पिक्चर्स बना रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ये 0.5x पे पिक्चर बनाएगी, आप उसका रिजल्ट दे सकते हैं, और 2x वाली पे भी। तो इमेज की क्वालिटी इतनी ज़्यादा डिक्रीज नहीं करता, मैं इसको 8/10 रेट करूँगा इस सीन में। उसके बाद आ जाते हैं इसके वीडियो पे। वीडियो के सीन इस तरह के 4K 60fps तक वीडियो को सपोर्ट कर देता है। ये इसके ऑप्शन आपको अवेलेबल अल्ट्रा HD 60fps तक सपोर्ट कर देता है, पर ये बाकी मॉडल्स की तरह ही अल्ट्रा वाइड लेंस पे नहीं जाएगा 4K 60fps पे। 1080p 60fps तक ही आप अल्ट्रा वाइड लेंस तक जा सकते हैं। ये इसके कैमरा का मॉड्यूल है, तो यहाँ से आपको इजीली क्लैरिफाई हो जाएगा कि 60fps पे किस तरह का शेक और किस तरह का एंगल प्रोवाइड कर रहा है आपको। पर इसके अंदर लेंजेस को स्विच करते टाइम आपको अलहदा से क्लिक करना पड़ेगा, आपको वीडियो के अंदर से लेंजेस स्विच ऐसे ईजिली नहीं हो सकेंगे। ये अब आपको सामने सारा व्यू आ रहा है जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का व्यू कर रहा है और कलर को किस तरह मेंटेन कर रहा है, ये आपके सामने सारा क्लियर हो जाएगा। बाकी ये लेंजेस देखें, जब मैं 60fps पे बना रहा हूँ तो ये सिर्फ वाइड एंगल पे ही 60fps सपोर्ट करेगा, अल्ट्रा वाइड या किसी पे शिफ्ट नहीं होगा। अगर आप 30fps पे वीडियो बनाते हैं तो फिर ये मे बी अल्ट्रा वाइड या उस पर चला जाए। अब देखा, मैंने वीडियो स्टॉप की तब इसका कैमरा एंगल थोड़ा सा चेंज हुआ, अल्ट्रा वाइड पे गया। और इसके अंदर आप अल्ट्रा वाइड पे गए 30fps तक ही वीडियो बना सकते हैं, 60fps तक नहीं बना सकते। और इस रेंज में सारे फ़ोन ही ऑलमोस्ट यही चीज़ सपोर्ट करते हैं, बल्कि कुछ फ़ोन में तो अल्ट्रा वाइड तक भी नहीं होता। तो ये इसके अल्ट्रा वाइड लेंस और टेलीफोटो लेंस और बाकी लेंस के सीन थी। बाकी इसके अंदर बहुत सारे कैमरा फीचर्स आ जाते हैं, AL कैमरा, मैनुअल कैमरा, मोर के अंदर आपको इसके अंदर थोड़े से और स्पेक्स मिल जाते हैं, सिनेमैटिक वीडियो, मैनुअल वीडियो, नाइट शॉट वगैरह, बाकी थोड़े बहुत व्यूज मिल जाते हैं, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके पोर्ट्रेट क्वालिटी की तरफ। पोर्ट्रेट में यार इसको मैं कहूँगा कि इतना खास तो मुझे नहीं लगा। ये यार बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो ये गेमिंग फ़ोन के लिहाज से है, कैमरे में इसको इतना रेट नहीं कर सकते कि कहें आप अगर सिर्फ कैमरे के लिए ले रहे हैं तो ये बात फजूल है। बाकी मैं आपको इसका कैमरा सैंपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर इसने बैक तो सही तरह से क्रॉप की है ये तस्वीर में, किसी में ब्लैक बैग भी हटा देता है, किसी में मतलब प्रॉपर फोकस भी नहीं कर पा रहा, तो इस तरह का ना विजुअल अच्छा इफेक्ट नहीं देता। और अगर इसके अंदर आप जी कैम वगैरह कुछ यूज़ करते हैं तभी आपका फ़ायदा है, नहीं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है इतना। देखो ना ब्लर पे, देखो पर्सन को कभी ब्लर कर रहा है, कभी बैकग्राउंड ब्लर प्रॉपर नहीं कर पा रहा, तो ये इसका मुझे बहुत ज़्यादा ही ड्रॉबैक लगा। फोटो क्वालिटी में 2x पे मैं तस्वीर बनाता हूँ तो ये थोड़ा सा उस तरह इमेज का वो मज़ा नहीं आ रहा। अगर मैं कहूँ ना इसको आप कैमरे के लिए लेना चाह रहे हैं तो वो इसके अंदर मैं नहीं मानता कि कोई चीज़ है जो आप कैमरे के लिए लें, उस चीज़ के लिए डिवाइस इतनी वर्थ इट नहीं है। तो अगर यार इसका बेसिकली आपको सिंपल कंक्लूजन बताऊँ, अगर आप 40K की रेंज भरना ही चाह रहे हैं 40,000 रुपये तक, तो यार मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये वाली डिवाइस लें। आप अगर टोटली सिर्फ कैमरे के लिए लेना चाह रहे हैं, ये इसका स्लो मोशन आ जाता है, तो बात यह है कि अगर आप सिर्फ कैमरे के लिए ले रहे हैं ना तो यार ये डिवाइस नहीं वर्थ इट। बाकी अगर आप परफॉर्मेंस भी चाहिए, आपको थोड़ा अच्छा कैमरा भी चाहिए, थोड़ी अच्छी गेमिंग भी चाहिए आपको, तो फिर इस रेंज में मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा वर्थ इट डिवाइस है, मतलब अच्छा काम कर जाते हैं। इसका जो अपग्रेड मॉडल जिसका मैंने लास्ट टाइम रिव्यू दिया था LG का V60, वो तो इससे भी अच्छा कैमरा प्रोवाइड करता है। नो डाउट इसके कैमरे को मैं अगर रेट करना भी चाहूँ तो 7 या 6 या 7/10 करूँगा। और अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो यार वो मुझे इतना इसका खास नहीं लगा, बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड टाइप लगा, ब्लरी सा फ्रंट कैमरा प्रोवाइड कर रहा था कि मुझे इतना मतलब सेटिस्फाई कर सके उस तरह का नहीं है। बाकी ये इसके अंदर पोर्ट्रेट्स वगैरह फ्रंट कैमरे पे सारा कुछ प्रोवाइड हो जाता है। तो बस यार यही था इस डिवाइस का रिव्यू, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझे ज़रूर बताइएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।